So those teeth or the bone, it receiver, receives the image of that. Okay, so they are image receptors. Okay. So now classification of the uh, X-ray films. They can be ca classified according to the use. Okay. So they can be either intraoral or it can be extraoral. What does intraoral means? Anyone can tell me. Intraoral. एंड एक्सट्राओरल का मतलब प्लेस इनसाइड द ओरल कैविटी हां इनसाइड द ओरल कैविटी ओके एंड आपका एक्सट्राओरल हो गया आउटसाइड द ओरल कैविटी कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ इंट्राओरल रेडियोग्राफ्स डेंटल रेडियोग्राफ हां एक है आईओपीए ओके आईओपीए का फुल फॉर्म क्या है इंट्राओरल हां इंट्राओरल पेरि एपिकल जो ये वाला फोटो मैंने दिखाया है दिस इज नोन एज आईओपीए ओके तो दिस इज आईओ पी तो दिस इज इंट्राओर मुंह के अंदर डालते हैं ना इंट्राओरल मतलब इन साइड द माउथ ओके सो इंट्राओरल एक्सरे फिल्म में आया आईओपीए आईओपीए इज इंट्राओरल पेरियापाइकल तो वेयर डू वी यूज इंट्राइर पेरियापाइकल जैसे पेडिया पैथोलॉजी हो गया ठीक है पेरी एपाइकल लिए एक दांत है उसका नीचे में कोई पैथोलॉजी हो गया सोचो हो गया या सिस्ट सिस्ट एब्सेस हो गया या ऐसे कुछ हो गया तो वी आ, वी सी पैथोलॉजी ठीक है उसके लिए हम जेनरली यूज करते हैं इंट्राइल पेरियापाइकल हाँ केरिस के लिए यूज करते हैं ऑब्वियसली बट पेरी एपाइकल के लिए भी यूज करते हैं देन वी हैव हैल में और एक आता है बाइटविंग बाइटविंग देखा है आप लोगों ने बाइटविंग किस लिए यूज करते हैं बाइटविंग वी यूज इट फॉर इंटर इंटरप्रोक्सीमल एरिया इंटरप्रोक्सीमल एरिया मतलब मेजियल और डिजिटल एरिया में कैरिज है कि नहीं उसको देखने के लिए सो दिस इज बाइटविंग रेडियोग्राफ बाइट से क्या समझ में आता है बाइट मतलब अपर एंड लोअर दोनों दिखाई देता है ठीक है सो दिस इज बाइटविंग रेडियोग्राफ और इट इज यूज फॉर आपका प्रोक्सीमल एरियाज को देखने के लिए फॉर प्रोक्सीमल एरियाज ठीक है तो दिस इज ऑल्सो एन इंट्राइडल रेडियोग्राफ फिर आ गया रेडियोग्राफ रेडियोग्राफल रेडियोग्राफ कैसा है देखो this is known as occlusal radiograph. देखो दिस इज नोन एज रेडियोग्राफ ठीक है जैसे यहाँ पे एक इम्पेक्टेड टूथ है तो कैन वी सी इट विथ आपका इंट्राइर पेरियापाइकल से हम देख सकते हैं क्या ये सब इट बी इट वोट बी इजी देख सकते हैं बट इट बी इजी ठीक है अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं होगा कुछ दिखाई दे सकता है वी कैन नॉट नो कि बाकोलिंग्वेल है कि मेजियोलिंग uh, है कि मेजियोरिस्टल है कि क्या है हमको पता नहीं चलेगा वी 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 कैन कैन सी सम स्ट्रक्चर बट नॉट नो द डायरेक्शन सो से क्या है हम बाकोलिंग्वल एक्सपेंशन देख सकते हैं सुपरन्यूमर टीथ देख सकते हैं एंड वी कैन लोकलाइज एन ऑब्जेक्ट सो दिस इज इंट्राओर एक्सरे फिल्म ओके तो क्या क्या बताया इंट्राओरल में

और ग्राफ क्या होता है ऑर्थोपेंटोमोग्राफ क्या होता है आई थिंक द मशीन इज कॉल्ड ऑर्थोपेंटोमोग्राफ ठीक है तो फिर स्काल प्रोजेक्शन आ गया स्काल प्रोजेक्शन यू कैन नेम एनी प्रोजेक्शन जिसके बारे में आपको पता है नाम सुना है किसी को साइनासाइटिस हुआ है कभी एक्सरे लिया है तब एनीवन कुछ स्काल प्रोजेक्शन के बारे में बता सकते हो जैसे वाटर्स व्यू हो गया ठीक है वाटर्स व्यू हो गया फिर और क्या है जग हैंडल व्यू तो बहुत सारा स्कल प्रोजेक्शनियल हाँ हाँ ट्रांसक्रेनियल ट्रांसफर इंजियल तो वो सब एक्स्ट्रा ऑरल हो गया मतलब एक्स्ट्रा ऑरल मतलब आउटसाइड द ओरल कैविटी ठीक है आउटसाइड द तो ओपीजी so, हम थोड़ी ना में डाल के लेते हैं नहीं लेते हैं so, so, एक हो गया हमारा use, ठीक है? Oral, ये क्या है एक ओपीजी है ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू साइज जो हमारा फिल्म है वी कैन क्लासीफाई देम ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द साइज तो साइज जीरो जो होता है क्या होता है चिल्ड्रेन के लिए होता है ठीक है साइज वन जो होता है एडल्ट एंटीरियर रीजन के लिए एंड साइज टू जो होता है एडल्ट पोस्टीरियर रीजन के लिए बट हम लोग क्या करते हैं जो एक्चुअली आप uh, जब वेन यू गो टू आपका ओपीडी में जाओगे तो क्या देखते हैं हम एक ही तरीके का एक्सरे यूज करते हैं वी डोंट यूज डिफरेंट टाइप्स राइट मे बी इन सम हमारे कॉलेज पे तो ऐसा नहीं होता था मे बी इन अदर कॉलेजेस आई डोंट नो मे बी दे आर यूजिंग डिफरेंस पर हमारे कॉलेज में एक ही साइज हम यूज करते हैं सो ऑल्सो यूज फॉर एंटीरियर रीजन हम लोग यूज कर लेते हैं उसको ठीक है एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों के लिए है तो उसका साइज कितना होता है थ्री वन इंटू फोर वन एम एम ओके थर्टी वन बाई फोर्टी वन एम एम ओके दैट इज द साइज ऑफ साइज टू रेडियोग्राफे तो दिस इज यू हैव टू हैिमेम्बर ये आता है ठीक है एंड देन ये सेम ही हम वाइटिंग रेडियोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? फिर ऑक्लूजल फिल्म आ गया ऑक्लूजल फिल्म का साइज क्या है 57 सेवन बाई सेवनटी सिक्स एम ओके ये ऑक्लूजल फिल्म ऐसे होता है ना तो 57 सेवन बाय सेवनटी सिक्स एम होता है ठीक है एक्स्ट्रा ऑरल फिल्म कितना होता है 5 बाय सेवन इंच ऐसा होता है ना एक्स्ट्रा ऑरल फिल्म समर लाइक दिस समर लाइक दिस

E हो गया फास्ट E भी D और E फास्ट है बट दिस इज कॉमनली यूज E इसको एकता फिल्म भी बोलते हैं ठीक है एकता कपूर का, का नाम पता है ना तो वही एकता ठीक है E इज फास्ट ओके एंड F और G होता है जो हाइपर स्पीड ओके इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है तो ए बी सी स्लो डी ई फास्ट और F और G हाइपर स्पीड तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्पीड फिर हो गया अकॉर्डिंग टू द कोटिंग एमालशन होता है एक कोटिंग होता है जो आपका एक्सरे फिल्म एक कोटिंग होता है ठीक है तो उसको कोटिंग कोटिंग बोलते हैं तो वो आइदर कैन बी डबल दोनों तरफ हो सकता है या सिंगल एमालशन कोटिंग ओके सो दिस इज अकॉर्डिंग टू कोटिंग नाउ अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन अभी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में सुना है

फिल्म वो फिर फिल्म को एक्सपोज करता है तो दिस दिस आर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ठीक है और ये आपका जो एक्स क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा रेडियोग्राफ है ठीक रेडियो है थीके? तो क्या है फंक्शन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का इट कॉन्वर्स एक्सरे इनटू विजिबल लाइट ठीक है तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करता है इट कॉन्वर्ट एक्सरे बात करते हैं यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो इंट्रा और फिल्म जो होता है उसको नॉन स्क्रीन फिल्म बोलते हैं क्योंकि इंट्राओरल फिल्म में हम इंटेन्फाइंग स्क्रीन नहीं यूज करते हैं ठीक है थीके?

इनडायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म भी बोला जाता है ठीक है तो दिस इज द सेम थिंग स्क्रीन फिल्म द मेजोरिटी ऑफ एक्सट्रा ऑरल फिल्म दे आर प्लेस बिटवीन टू स्पेशल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड आर कैप्ट इन ए कैसेट ओके तो दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में आपको रखा रखा जाता है दे आर मोर सेंसिटिव टू फ्लोरोसेंट लाइट दे नॉन स्क्रीन फिल्म दे डोंट रिक्वायर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फॉर एक्सपोजर दे आर एक्सपोज डायरेक्टली टू एक्सप्रेस ओके जो हमारा इंट्रा ऑरल रेडियोग्राफ है ओके ठीक है? According to the processing, अभी processing हो गया। According to the processing, हम को प्रोसेस कैसे करते हैं तो एक हो गया ऑटोमेटिक एक हो गया मैनुअल और एक हो गया सेल्फ डेवलपिंग ऑटोमेटिक में क्या करते हैं एक मशीन होता है जिसमें हम क्या करते हैं वो एक्सरे को हम छोड़ देते हैं जो आपका प्रोसेस होके वो बाहर निकल जाता है ठीक है मैनुअल जो हम लोग हमारा हमारे कॉलेजेस में करते हैं एक बार खोलते हैं फिर डेवलपर पे डालते हैं फिर हम फिक्सर पे डालते हैं वाटर पे डालना वॉश करना ये सब आपका आ गया मेनुअल में ठीक है और एक होता है सेल्फ डेवलपिंग फिल्म ओके सेल्फ डेवलपिंग फिल्म में क्या होता है उसके अंदर ही जो फिल्म है उसके अंदर ही आपका डेवलपर भी रहता है और फिक्सर भी रहता है ठीक है तो वो उससे डायरेक्टली हम कर सकते हैं मतलब इसमें क्या होता है सेल्फ डेवलपिंग में आपको इसका जरूरत नहीं है क्या बोलते हैं आपका जो डार्क रूम का जरूरत नहीं है ये है आपका सेल्फ डेवलपिंग फिल्म ओके इसके अंदर ही आपका जो डेवलपर uh, होता है और फिक्सर होता है दोनों ही इसके अंदर ही हो जाता है ठीक है तो इसका डिसएडवांटेज क्या है

रिजोल्यूशन एंड कॉन्ट्रास्ट इज डिक्रीज ओके जो रिजोल्यूशन अच्छा क्वालिटी चाहिए था हमको हम बोलते हैं ना मोबाइल का रिजोल्यूशन कितना है तो जितना रिजोल्यूशन अच्छा है मतलब उतना पिक्चर अच्छा होता है कॉन्ट्रास्ट क्या कितना है तो रिजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज हो जाता है मतलब ओवरऑल क्वालिटी इज रिड्यूज ओके तो इंटेंसीफाइंग स्क्रीन का दो लेयर होता है नॉट लेजर ओके मिस्टेक बेस एंड फोस्टोर लेयर ओके बेस एंड फोस्टफॉर लेर ठीक है दो लेयर होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में एक है बेस और एक है फॉस्फोर लेयर ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द लाइट एमिशन अगर ग्रीन लाइट एमिशन होता है तो फॉस्फोर लेयर होता है गेडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड का या टेरबियम एक्टिवेटेड का ठीक है इफ ग्रीन लाइट और अगर ब्लू हो गया तो वी यूज इट्रियम टेंटेलाइट या नियोबियम एक्टिवेटेड ओके दिस आर द टाइप ऑफ फॉस्फोर यूज क्या होता है आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में बेस एंड फॉस्फोर लेयर होता है

ठीक है ना अभी हम ग्रीड्स grid, ग्रिड्स के बारे में बात करेंगे एक तो बात कर लिया हमने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो फोर मार्क्स के लिए आता है अभी हम ग्रीड्स के बात के बारे में बात करेंगे तो ये क्या करता है रिमूव सेकेंडरी और स्केटर्ड रेडिएशन ओके तो सेकेंडरी या स्केट रेडिएशन जो होता है स्केट रेडिएशन देट विल स्टडी टुमारो स्केट रेडिएशन क्या होता है इन आवर चैप्टर ऑफ एक्सरे मशीन ठीक है तो ये ग्रीथ क्या करता है इट रिमूव सेकेंडरी और स्कैटर्ड रेडिएशन दस प्रिवेंट फिल्म फॉगिंग। एक फिल्म फॉगिंग एक चीज होता है जिसमें आपका जो पिक्चर क्वालिटी है आपका वो नहीं होता है देयर इज फॉगी लेयर ओके उसको फिल्म फॉगिंग बोलते हैं ठीक है थीके? तो जो ग्रीट्स होता है इट प्रिवेंट्स फिल्म फॉगिंग ठीक है ग्रीड्स आर प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द फिल्म तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है grids को कहा प्लेस करते हैं बिटवीन द द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड फिल्म ओके फिल्म और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको ग्रिड्स प्लेस करते हैं ठीक है फिर ग्रिड्स क्या से बनाते हैं इट इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग शीड ऑफ लीड एंड प्लास्टिक ओके तो ग्रीड्स क्या से बनता है lid

ग्रीड रेशियो uh, क्या होता है एट टू टेन प्लीज रिमेम्बर दिस ओके फिर ग्रीड्स uh, भी बहुत तरीके का होता है जैसे हमने फिल्म स्टडी किया तो एक होता है फोकस ग्रिड एक होता है मूविंग ग्रिड और भी बहुत तरीके का ग्रिड है ओके okay? तो फोकस ग्रिड एक है मूविंग ग्रिड मूविंग ग्रिड का और एक नाम क्या है इट इज आल्सो नोन एज इट इज आल्सो नोन एज बाकी ग्रिड्स ओके मूविंग ग्रिड्स को और एक नाम क्या है बाकी ग्रिड्स व्हाट आर द एडवांटेजेस इट रिमूव्स स्केटर्ड रेडिएशन जो ग्रिड क्या करता है स्केटर्ड रेडिएशन रिमूव करता है पर डिसएडवांटेज क्या है इंक्रीजेस एक्सपोजर टाइम मतलब इंक्रीजेस एक्सपोजर टाइम मतलब सोचो एक पेशेंट को दो सेकेंड तक दो सेकेंड या तीन सेकेंड हमको एक्सपोज करना है एक्सरे को पर उसके कारण ग्रिड के कारण हमको ज्यादा ज्यादा टाइम देना पड़ता है ठीक है तो वो इन्वेंटेड मूविंग ग्रिड इट वॉज बाई हॉलिस ई पोर्टर इन नाइनटीन ओके तो ये क्या करता है मूविंग ग्रिड क्या करता है इट मूव्स मूव टू थ्री सेंटीमीटर बैक फोर्थ थ्रू आउट द एक्सपोजर तो ये जो मूविंग ग्रिड है ये मूव करता है टू सेंटीमीटर आगे पीछे थ्रू आउट द एक्सपोजर ओके नाउ लेटेंट इमेज क्या है लेटेंट इमेज कैन एनी वन कैन मी जैसे आपने एक्सरे ले लिया है ठीक है एक्सरे ले लिया है फिर जो एक्सरे आपके एक्सरे फिल्म में है उसको लेटेंट इमेज बोलते हैं ठीक है आफ्टर यू प्रोसेस इट आप जब उसको डेवलप कर देते हो फिक्स कर देते हो देन इट देवर्टेड इन टू विजिबल इमेज पर उससे पहले जो इनविजिबल इमेज रहता है उसको लेटेंट इमेज बोलते हैं ठीक है एक्सरे फिल्म जो होता है इज मेड अप ऑफ बेस एंड एमलशन तो एक्सरे फिल्म क्या होता है बेस और एमलशन से बना हुआ है ओके एक्सरे फिल्म इज मेड अप ऑफ बेस एंड एमलशन तो बेस क्या होता है बेस इज मेड अप ऑफ 0.2 पॉइंट टू एम थिक पोलियस्टर कंपाउंड तो बेस में क्या होता है आपका 0.2 पॉइंट टू एम पोलियस्टर कॉम्पाउंड होता है ठीक है और वो पोलियस्टर कंपाउंड का नाम क्या है पोली इथाइलिन टेरेप ओके तो क्या नाम है पोली इथाइलिन टेरेप ओके फिर इमालशन क्या होता है इमालशन में सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल होता है ठीक है मोर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड लेस ऑफ सिल्वर आयोडाइड तो क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड ज्यादा होता है और सिल्वर आयोडाइड कम होता है ठीक है एंड सल्फर इंप्योरिटीज एंड इंटरस्टिशियल सिल्वर आयंस आर आल्सो प्रेजेंट तो वहां पे क्या होता है सल्फर इंप्योरिटीज भी होता है और इंटरस्टिशियल सिल्वर आयंस भी प्रेजेंट होता है ठीक है तो यहां तक ये था This was all about X-ray films.